हाय गाइज व्हाट्सअप क्या से हो आप सभी लोग इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी लोग माइक्रोनिज ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो वो भी ब्लॉगर का यूज करते हुए कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी तक यार मैंने आप सभी लोग को डिटेल में बता दिया है कि माइक्रोनिज ब्लॉग की केस स्टडी के बारे में साथ ही साथ मैंने आप सभी लोग को माइक्रोनिज ब्लॉग के कुछ टॉपिक्स आइडियाज भी शेयर किए थे थे सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको एकदम एडवांस लेवल में बताने वाला हूँ

डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो कंटेंट है उस कंटेंट को आपको कहां से फाइंड करना है फाइंड करने के बाद आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करते हुए किस तरीके से आर्टिकल बनाना है आर्टिकल्स में आप सभी लोग को कीवर्ड्स वगैरह किस तरीके से लगाने हैं उसके बाद जो भी इंटरनल लिंकिंग है ऑन पे जिससे होगा पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर शेयर करूंगा हेडिंग्स वगैरह सब हेडिंग्स वगैरह किस तरीके से आपको लगानी है इमेजेस कहाँ जानी है किस तरीके से बनानी है ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना देखो यार कॉन्टेंट के साथ अगर आप सभी लोग थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे

सेलेक्ट कर रखा और इसी पर मैं आपको होगा तो अपने ब्लॉग का टाइटल ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका फोकस जो कीवर्ड्स है वो सारे के सारे कीवर्ड की लिस्ट बनाकर आपको रख देनी है जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी लोग को बताया था तो टाइटल कुछ तरीके से आप देख सकते हो अपनी वेबसाइट का नाम एंड जो मेन फोकस की वर्ड है जैसे हमारा फोकस की वर्ड हैप्पी बर्थडे है, विशेष इन हिंदी इसी को हम टारगेट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पर एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी सेम कीवर्ड को मैंने वापस से लल, डा, डाल दिया और उसके बाद जो इसके मतलब रिलेटेड कीवर्ड है हैप्पी बर्थडे फॉर सन फादर मदर सिस्टर वो सारे कीवर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और इसी तरीके से जो मेन मेन फोकस कीवर्ड है वो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में डालकर ये तीन चीजें मैंने तैयार कर रख दिया अब ये काम आपको सेटिंग में जाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है जो कि यार आपको पता ही होगा उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है पॉलिसी पेजेस तो जो इंपॉर्टेंट पेजेस है इस साइड के लिए ये आपको पांच पेजेस बनाने ही पड़ेंगे

ये चीजें हमें यानी कि ये पेजेस बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेजेस आप ऑटो जनरेट कर सकते हो गूगल पर आपको बहुत ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने फिल कर दिया एंड आपको आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मेटा टेक्स का ऑप्शन मिलेगा इसको आपको इनेबल करना है सर्च डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में आपको जाना है एंड यहाँ पर जो आपका सब मेटा डिस्क्रिप्शन था वो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर पेस्ट कर देना है ठीक है जो कि आप 150 कैरेक्टर का ही डाल सकते हो इसके बाद आते हैं हमारी है यहाँ पर मेन चीज ठीक है जिसको कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इंडेक्सिंग की वो है यहाँ पर रोबोट डॉट टीएक् अब ये रोबोट डॉट टीएक् फाइल और जितनी भी एडवांस ब्लॉगर की सेटिंग है ये आपको किस तरीके से करनी है तो ब्लॉगर की एडवांस सेटिंग पर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा जाकर देख लेना और इस चीज को जरूर से इनेबल कर देना है ठीक है जो कि मैंने उस वीडियो में बता रखा है एंड इस ब्लॉग को मैं विजिट करके

आपको डायरेक्टली किसी अदर वेबसाइट पर जाकर कॉपी नहीं करना है इसका भी तुम्हारे भाई ने ट्रिक बताकर रख रखी है तो नीचे आऊंगा यहां पर मैंने पूरा बता रखा है हाउ टू फाइंड कंटेंट तो यहां पर चार ऑप्शन है आपको ये शायरी वगैरह कंटेंट वगैरह फाइंड करने के ठीक है सबसे पहला है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर आपको ऐसे बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे जो कि बर्थडे विशेष वगैरह जितने भी शायरीज वगैरह होती है वो डेली टू डेली वहां पर फोटो वगैरह पोस्ट करते रहते हैं ठीक है उसके बाद यूट्यूब मिल जाएगा यूट्यूब पर जाकर आप बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे मतलब कवि सम्मेलन भी होते हैं जहां पर शायरीज वगैरह कोर्ट वगैरह बोले जाते हैं विशेष

अलग अलग वेबसाइट से शायरीज वगैरह ये ले सकते हो उससे पहले आपको नहीं करना है जैसे एग्जाम्पल बताता हूं पिंटरेस्ट है तो यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है जैसे हम बर्थडे विशेष मांग रहे हैं यहाँ पर हमको चाहिए तो पिंटरेस्ट बर्थडे विशेष हिंदी मैंने लिखा यहाँ पर बहुत सारी साइट्स आ गई एक कोई सा भी पेज आपको ओपन करना है आपको यहां पर बहुत ज्यादा इमेजेस मिल जाएगी इन इमेजेस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उन टेक्स्ट को जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने लिख रखा है और इसी तरीके से आपको गूगल डॉक्यूमेंट में वॉइस टाइपिंग के जरिए यहां पर वॉइस टाइपिंग पर जाना है एंड यहां से देखना है और यहाँ से बोल

ठीक है

कंटेंट में कोई भी कमी नहीं करनी है जस्ट आपको बताने के लिए ये हर कोई से ही पैराग्राफ है जिस पर कि मैंने मतलब सिंपल से यहाँ पर मतलब जो है डेडिकेटेड जो हमारे यहाँ पर है मतलब कीवर्ड्स है उनको डाल रखा है आपको बताने के लिए ज्यादा कि यार ज्यादा टाइम मेरा भी यहाँ पर खराब ना हो ठीक है तो इस तरीके से आपको डालना है इसके बाद आती है हेडिंग तो यहाँ पर आप सभी लोग को हेडिंग डालनी है जो कि आपका फोकस की है वही हेडिंग आप सभी लोग को यहाँ पर डाल तो यहाँ है तो पर आप देख सकते हो तो ये हमारी हेडिंग हो चुकी है जो कि हमारा फोकस की वर्ड है तो फोकस की वर्ड है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी डाल दिया उसके बाद जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है उसमें भी डाल दिया अब फर्स्ट हेडिंग का वापस से जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको बनाना है उस फर्स्ट पैराग्राफ में दोबारा से आपको अपना फोकस की लगाते हुए पैराग्राफ बनाना है अब उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जस्ट आपको बताने के लिए दोबारा से मैंने सेम पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया अब यहां से आपको अपना कॉन्टेंट डालना चालू करना है लेकिन उस कॉन्टेंट में आपको एक सही से शेड्यूल बना देना है

से आपको यहाँ पर एक इमेज डाल देने से बना सकते हो तो इमेज देखो सुंदर सुंदर आ... तो बता देना पूरा वीडियो बना दूंगा बाकी इस वीडियो में एड करूंगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यानी कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा जस्ट आपको समझाने के लिए यहां से मैं एक कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको आप अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो तो यहाँ पर हमारी इमेज भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है अब गाइस इमेज ऐड करने के बाद दोबारा से आपको थोड़ा सा पैराग्राफ बना देना है एंड उसमें वापस से जो अपने फोकस कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को ऐड कर लेना है जिससे कि यार आपकी जो वेबसाइट है यानी कि जो आपका आर्टिकल है उसमें कॉन्टेंट भी रहे तो यहाँ पर मैंने एक वापिस से डाला एंड दोबारा से सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है यहाँ से वापिस से आपको कोड्स वगैरह देने हैं एंड देने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना और दोबारा से इमेज लगानी है तो ये तो हो गया फर्स्ट हेडिंग इसी तरीके से आपको इसके अंदर और भी सब हेडिंग्स बनानी है जैसे यहाँ पर वापस से दोबारा से एक हेडिंग आपको लेनी है हैप्पी बर्थडे इन हिंदी विद इमेजेस इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो तो दोबारा से मैंने एक हेडिंग हेडिंग दी एंड हैडिंग के नीचे दोबारा से आपको इसी तरीके से अलग अलग कोट्स बनाने हैं और उन कोट्स को नीचे पेस्ट करते जाना है अपने आर्टिकल को बड़ा बनाना है तो ये तो हुआ कॉन्टेंट कॉन्टेंट किस तरीके से आप सभी लोग को इस टाइप की वेबसाइट पर डालना है पूरी स्ट्रेटेजी यानी कि पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से आप हो सके जितनी हेडिंग सब हेडिंग्स यहाँ पर देनी है देने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है अबाउट द पोस्ट करके एक आप सभी लोग को

तो आप विकीपीडिया को कोई लिंक हो गया इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स लिंक पर लगा देने हैं इमेजेस में भी आप सभी लोग को यहाँ पर पर सेटिंग के ऑप्शन जाना है अल्टर टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट आप सभी लोग को यहाँ पर दे देना है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है उसके बाद कैप्शन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो अब आते हैं लेबल्स के सेक्शन पर तो लेबल्स आप सभी लोग को भर भर के यहाँ पर लगा देना है जो आपका फोकस की है सबसे पहले उस फोकस की का ही आप यहाँ पर लेबल बना दो कोमा लगा देना इसके बाद वापिस से हैप्पी बर्थडे विशेष हो गया ये पूरा की है तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आप सभी लोग को बना देना है एंड यहाँ पर परमा लिंक के ऑप्शन पर आपको आना है कस्टम परमा लिंक के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप सभी लोग को जो आपका फोकस की है उस फोकस की को यहाँ पर आप सभी लोग को पेस्ट कर देना है ठीक तो है यहाँ पर तो आर्टिकल की सबसे मेन चीज आती है वो आती है सर्च डिस्क्रिप्शन अब सर्च डिस्क्रिप्शन भी आप सभी लोग को तैयार करना है ठीक है जिसमें कि यार आपको अपने फोकस की वर्ड एड करना है ये सर्च सर्च डिस्क्रिप्शन वही ही सो कैरेक्टर का आपको बनाना है जो कि हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला था तो जस्ट आपको बताने के लिए फिलहाल यही चीज मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको अपने हिसाब से बनाना है कि इस आर्टिकल में हमने ये बताया और फोकस कीवर्ड को लगाते हुए बनाना है सर डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर डाल दिया अब आते हैं टाइटल की तरफ तो टाइटल टाइटल देखो बहुत ज्यादा आप सभी लोग को क्लिकेबल टाइटल बनाना है ताकि आपका सी ज्यादा हो सीटीआर ज्यादा होंगे तो आपका जो टाइटल उस पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे तो ज्यादा क्लिक्स आएंगे ज्यादा ट्रैफ़िक आएगा तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है थोड़ा सा टाइटल को क्लिकेबल बनाने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है सो so प्लस या फिर इसी तरीके से आप बना सकते हो हैप्पी बर्थडे विशेष इन हिंदी जो कि आपका डेडिकेटेड की है अब इसके बाद क्योंकि यार हमारा एक की और था विद इमेजेस तो ये चीज भी हम ऐड कर देंगे तो इसी में ही हमारे आप देख सकते हो पूरे के पूरे तीन की हमने यहाँ पर लगा दिए सबसे पहला हैप्पी बर्थडे विशेष जो कि एक अलग है। Happy birthday, wishes in Hindi, की है हैप्पी बर्थडे विशेष इन हिंदी जो कि एक डिफरेंट की है और हैप्पी बर्थडे विशेष इन हिंदी विथ इमेजेस ये अलग की और इसके आगे अगर आप और लॉन्ग टेल करना चाहते हो तो इसको 2021 या 2020 आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल बनकर तैयार हो गया बस इसमें आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है और इसी तरीके से आपको आर्टिकल बनाना है पब्लिश कर देना है अब ये तो देखो हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया जस्ट इस आर्टिकल को मैं यहाँ पर व्यू करके भी आपको बता देता हूं एग्जैक्टली किस तरीके का दिख रहा है यहां पर देख सकते हो तो ये हमारा आर्टिकल है अब आपको यहाँ पर बढ़िया सी थीम वगैरह लगानी है अब थीम वगैरह आपको नहीं पता है तो वो चीज कमेंट सेक्शन में बता देना मैं आपको बढ़िया से थीम भी शेयर कर दूंगा जो कि आप माइक्रोनिस्ट ब्लॉग पर बना सकते हो अब ये हमने एक कीवर्ड को यहाँ पर फोकस करते हुए आर्टिकल लिखा इसी तरीके से जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको की रिसर्च भी बताया था तो जितने भी आपके माइक्रोनिस्ट जो ब्लॉग का टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं उन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल बना देना है जैसे हैप्पी बर्थडे विशेज फॉर सन हैप्पी बर्थडे विशेज फॉर सिस्टर फॉर फादर फॉर बनानी है। And easily यार आपका जो ये website वो रैन कर जाएगा बस ध्यान देना है आपका कॉन्टेंट बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए यार ये आपको अच्छा लगा तो हो तो डेफिनेटली को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी के साथ मैं मिलता में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत